अज़ीज़ुल क़द्र नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें वो बाबरकत महीना दोबारा अता फरमाया जिसके कुछ अय्याम हम पर रहमत बनकर आते हैं, तो कुछ को खुदा हम पर मग़फ़िरत बनाकर नाजिल फरमाता है, तो कुछ अय्याम तो कुछ अय्याम आखिर के आशरे की शक्ल में हमारी नजात बनाकर खुदा की जानिब से नाजिल किए जाते हैं। अब ये तो हम पर है कि हम अपने खुदा की जानिब से रहमत बनाकर भेजे जाने वाले इस बाबरकत महीने को वाकई में रहमत समझते हैं या अपनी बदकार नफ्स के चक्कर में पड़कर इसे ज़हमत समझ बैठते हैं, ये हम पर है। हदीस शरीफ है हज़रत इब्ने खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, वह हुआ शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। यानी इसका तर्जमा यह है कि ये वो बाबरकत महीना है जिसका इब्तदाई आशरा रहमत है और दरमियान का आशरा मगफिरत है और अखीर का आशरा यानी 10 दिन ये इत्कुम मिन नार जहन्नम से नजात है। इत्क से मुराद नजात है, इत्कुम मिन नार ए नजातुम मिन नार। तो अजीजाने मिल्लत, इस पूरे महीने के 3 हिस्से किए गए और उसमें इब्तदाई जो 10 दिन हैं, जो इब्तदा का जो आशरा है, जो इब्तदा के 10 दिन हैं, उसे रहमत बनाकर हम पर नाजिल किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार रहमतों का नुजूल हम पर फरमाता है इन अय्याम में, इस पूरे महीने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने में अगर किसी बंदे मोमिन ने एक नफल अदा किया तो दूसरे महीनों में फ़र्ज की अदायगी के बराबर है। मतलब रमज़ान के अलावा दीगर जो 11 महीने हैं उसमें हम जब एक फ़र्ज अदा करते हैं और उसी अदायगी पर हमें जो सवाब मिलता है, उतना सवाब इस बाबरकत महीने में एक नफल की अदायगी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इनायत फरमाता है। और अगर कोई बंदे मोमिन इस रमजान के बाबरकत महीने में एक फर्ज अदा करता है, फर्ज की शक्ल में कोई नेकी अदा बजा लाता है, नेक काम करता है, तो दीगर महीनों में 70 फराइज अदा करने पर जो सवाब मिलता है, उतना सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बाबरकत महीने में एक फर्ज की अदायगी पर हमें अता फरमाता है। तो अब आप बताएं अजीजाने मिल्लत, अब हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कि कितना बाबरकत महीना है, नफल की शक्ल में हो या फर्ज की शक्ल में हो, उसका नतीजा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें हमारे सामने है। तो इब्तदाई 10 दिन जो है उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर रहमत बनाकर नाजिल फरमाया और दरमियान के जो 10 दिन हैं, दरमियान का जो आशरा है, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम उसमें हमारे लिए मग़फ़िरत फरमाई है, वो हमारे लिए मग़फ़िरत बनकर नाजिल किया गया है। हो सकता है यहाँ पर किसी के जहन में ये सवाल अंगड़ाइयाँ ले कि
जो इब्तिदा के 10 दिन थे वो रहमत के साथ खास थे, और आखिर के दरमियान के जो 10 दिन हैं, ये दरमियान का जो आशरा है इसमें अब मगफिरत है तो अब ये रहमत के साथ खास नहीं है। तो अजीजा ने मिल्लत हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत को जब एक बार वाह कर देता है, जब एक बार खोल देता है, जब एक बार हम पर लुटाना शुरू करता है, तो इस पूरे महीने अल्लाह की रहमत हमारे लिए आम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दरमियान के आशरे में, जब दरमियान का आशरा जिसे मगफिरत कहा गया है, तो जब वो शुरू हो तो उसमें रहमत ना हो। नहीं अजीजाने मिल्लत, अल्लाह रब्बुल इज्जत अरहमुर रहीमीन है, वो इस हमारी मगफिरत भी फरमाता है और साथ ही साथ हमारी हम पर रहमत भी नाजिल फरमाता है। और अखीर का जो आशरा है, अखीर के जो 10 दिन है, जिसे इतकुम मिनन नार कहा गया, जिसे जहन्नम से नजात कहकर बताया गया, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जहन्नम से नजात भी अता फरमाता है, हमारी मगफिरत भी फरमाता है, हमें हम पर रहमत भी नाजिल फरमाता है। तो लिहाजा हमें इस बाबरकत महीने का मुकम्मल पासो लिहाज रखना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा नवाफिल की शक्ल में, फराइज की शक्ल में, जो नमाज पंजगाना में जो नवाफिल है, हमें उनकी भी ज्यादा से ज्यादा अदायगी करनी चाहिए। सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है, हमें उस पर भी पाबंदी रखनी चाहिए। और इन नमाज पंजगाना में जो नवाफिल हैं, इसके अलावा से भी हमें नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि अभी हमने हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश की कि एक नफल अगर कोई अदा करता है इस बाबरकत महीने में, तो दीगर महीनों में अदा किए जाने वाले एक फर्ज के सवाब के बराबर उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बाबरकत महीने में एक नफल की अदायगी पर वो सवाब अता फरमाता है। लिहाजा हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए, अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, इस दुनिया को अपने माँ बाप की खिदमत करके, उनका ख्याल रख कर, अपने छोटों पर शफकत करके, अपने बड़ों का अदबो एहतराम करके, हमें इस दुनिया को भी खूबसूरत बनाना चाहिए और अपनी आखिरत को भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए हुजूरे वाला हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप हजरत का दीदार अपने माथे की निगाहों से कर रहे हैं, लिहाजा हम हजरत की बारगाह में आजिजाना और मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे, इल्तिमास करेंगे कि हजरत अपने कुछ नासिहाना कलिमात से हमें नवाजें और हमारी रहनुमाई फरमाएं।
आवाज नहीं आ रही है यहां पर।
बस हो गया। بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وعلي صلى الله تعالى عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله. بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ کسی چیز کا دعویٰ کرنا اتنا آسان ہے कि कोई किसी बात का भी दावा कर सकता है। यहां तक कि पागल और दीवानी जो है वो भी कोई ना कोई दावा कर ही सकते हैं। दावा करना बहुत आसान काम है, मगर मुश्किल वहां पड़ती है जब उसको दलील पेश करना। दावा तो कुछ भी कर सकते हो, मगर दलील जब पेश करनी तो ये पागलों और दीवानों का काम नहीं। दलील पेश करना कुछ आसान काम नहीं। अहद रिसालत में भी कुछ दावा करने वालों ने दावा किया था, दावा बड़ा जबरदस्त जबरदस्त था। नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउहू, हम हैं खुदा के बेटे और हम हैं खुदा के चाहने वाले। दो दावा एक ही सांस में करने वालों ने कर दिया। अब उनसे दलील मांगी जा रही है। इस्लाम उनसे दलील चाहता है, दलील दो। तुम खुदा के चाहने वाले हो, इसकी दलील दो। यहां समझने की बात यह है कि उन्होंने दावा दो किया और दलील एक बात की मांगी जा रही है। दावा ये किया हम खुदा के बेटे और हम खुदा के चाहने वाले, और दलील ये मांगी, दलील दो कि तुम खुदा के चाहने वाले हो। इसमें हिकमत ये है कि वो दावा जो मुहालात खिरद में से हो, जो नामुमकिन हो, ऐसे दावे की दलील नहीं मांगी जाती। वो ऐसा बातिल होता, इस लायक ही नहीं रहता उसकी दलील मांगी जाए। इसलिए कि दलील मांगना इस बात की तरफ इशारा करेगा कि मांगने वाला भी शक में है, यही तो दलील मांग रहा।
तो खुदा का बेटा होना ये ऐसा दावा नहीं कि उसकी दलील मांगी जाए। अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद है, इस पर दलील का सवाल नहीं। खुदा का चाहे बेटा तो हो ही नहीं सकता, दलील उसकी मांगी जाती जिसका होना मुमकिन हो। खुदा का बेटा तो नहीं हो सकता, उसकी दलील ही नहीं मांगी गई। हाँ, चाहने वाले हो सकते हैं, ये दावा है। और जब चाहने वाले होते हैं तो अब उनसे कहा जाता कि तुम इस बात की दलील दो कि तुम खुदा के चाहने वाले हो। ये मुमकिन है, चाहने वाला होना मुमकिन है, इसकी दलील दो। जो चीज मुमकिन ही ना हो महालात खिरत में से हो, उसकी दलील का मुतालबा ही करना सही नहीं। खैर, बात हो गई। अब यहां एक दूसरा गोशा ये है कि दलील देने वाला अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे दलील दे, या आजाद होता, बिल्कुल आजाद होता। मगर यहां आजाद नहीं छोड़ा गया है, बल्कि खुदा की मोहब्बत की जो दलील है वो एक ही है, उसी का मुतालबा किया गया है। यही खुदा की मोहब्बत की दलील ही है। तो अब उनसे दलील में कि अगर तुम खुदा के चाहने वाले हो तो मेरे महबूब की इत्तबा को दलील में पेश करो, इसलिए कि मोहब्बत इलाही की एक ही दलील है, रसूल की पैरवी और उनकी इत्तबा। दावा तो तुमने खुदा की मोहब्बत का किया, मगर दलील में अब रसूल की पैरवी पेश करो, पैरवी पेश करो। अब यहां कोई ये भी सोच सकता है कि भाई दलील देने वाला जो चाहे दलील दे अपनी समझ के हिसाब से, ये कहना यही दलील दो, वो अपनी समझ से जो चाहे दलील दे। हाँ, यहां का मामला बड़ा नाजुक है। यहां तो दलील भी मांगी जाती है, ये भी बताया जा रहा है कि दलील में ये पेश करो। अब ये बात को और भी अहम बना देती है। वो अपने तौर पर कह सकते हैं ना कि अगर हम खुदा के चाहने वाले ना होते तो खुदा तक पहुंचने की हम कोशिश क्यों करते? खुदा तक पहुंचने की हमारी कोशिश ये दलील है कि हम खुदा के चाहने वाले हैं। हो सकता है कि जो जरिया हम खुदा तक पहुंचने का बना रहे हैं वो गलत हो, जरिया गलत हो सकता है, मगर हमारे इरादे को आप कैसे कह सकते हैं कि हमें खुदा तक पहुंचने का इरादा नहीं है? ये आप कह सकते हैं कि जिस ढंग से तुम पहुंचना चाहते हो वो रास्ता नहीं है, ये हो सकता। कोई शख्स हज्जे बैतुल्ला के लिए निकले
और ये सोचे कि हज के लिए सब इसी दरिए से होके जाते हैं, कश्ती पर बैठ के, जहाज पर बैठ कर, कोई फिजा में उड़ के जाता है, कोई किसी और रास्ते से जाता है, मगर इसी दरिया पे तो जाता है, इसी से तो रास्ता है, तो हमको क्या जरूरत है जहाज का वास्ता लेने के लिए, कश्ती का वास्ता लेने के लिए, छलांग लगा दो, समंदर में छलांग के हम तैर के निकल जाएंगे। तो ये तो कहा जा सकता है कि वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, वो तबाह हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, मगर ये कैसे कहते हो कि उसका हज का इरादा नहीं था, काबे से उसे मोहब्बत नहीं थी, इसी मोहब्बत ने तो छलांग लगवा दिया। ये कह सकते हैं कि वहां पहुंचने का जो सही रास्ता था वो उसने अख्तियार नहीं किया, वो तबाह हो गया। तो अब ये ठीक है कि मोहब्बत का इनकार आप मत कीजिए, ये कहिए कि मोहब्बत, जिस मोहब्बत से तुम खुदा तक पहुंचना चाहते थे वो रास्ता गलत था, उससे तुम नहीं पहुंच सकते। इस्लाम यही बता रहा है, इस्लाम यही बताना चाहता है कि भाई ये चाहने वालों, तुम खुदा को चाहते हो इसका दावा है, अब यही बता दो तो क्यों चाहते हो, खुदा से मोहब्बत क्यों कर रहे हो, क्यों चाहते हो? हर शख्स जो उसका अकीदा होगा उस अकीदे की रोशनी में कुछ कहेगा, कोई कहेगा कि हम तो इसलिए खुदा को चाहते हैं कि हमें आखिरत की भलाई चाहिए, हमें जन्नत की बहारें चाहिए, हमको जहन्नम से छुटकारा चाहिए, हमको आखिरत की नजात चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं, ये है। तो अब इस्लाम कहता भाई चाहने के लिए जो तुमने वजह बताई तो बड़ी अच्छी है, मगर याद रखो एक तरफा मोहब्बत से कुछ काम ही चलेगा, तुम खुदा को खूब चाहो, तुम खूब चाहो, बंदे हो, नहीं चाहोगे तो करोगे क्या, खूब चाहो, मगर इस चाहने से तुम्हें नजात नहीं मिलेगी, इस चाहने से तुम्हें जन्नत की बहारें नहीं मिलेगी, इस चाहने से तुम्हें जहन्नम से छुटकारा नहीं मिलेगा, एक तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, होता उस वक्त है कि जब तुम खुदा को चाहो और खुदा तुम्हें चाहे, तुम खुदा से राजी हो, खुदा तुमसे राजी हो, जब तक दो तरफा रजा नहीं होगी तुम जो चाह रहे हो मिलने वाला नहीं है। कितने खुदा की मोहब्बत का चाहने वाले बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, मोहब्बत का दावा करते रहे, वजह क्या है, उन्होंने तो चाहा मगर खुदा ने नहीं चाहा उनको, अब खुदा कैसे चाहेगा, आओ खुदा ही से पूछो कि रब तू बता दे कि तू कैसे चाहेगा। तो खुदा अपने महबूब की जुबान से कहला रहा, ए महबूब कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरी पैरवी करो, मुझसे मोहब्बत करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, बीच में मेरी इत्तबा है, तुम जब मेरी इत्तबा करोगे तो खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा, और जब खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा तो वो सारी बातें जो तुम चाहते हो उसकी मोहब्बत के साए में तुम वहां पहुंच जाओगे। तो असल चीज ये, अब इसमें एक चीज ये है कि यहीं से पता चला कि इस्लाम जो है
वो खुदा की मोहब्बत को अहमियत देता है, उसकी मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं। खुदा तुमसे राजी हो, पूरा दीन हमारा जो है वो सिर्फ खुदा को राजी करना है, तो अपने बनाए हुए उसूलों से राजी मत करो, खुदा ही से पूछो कि वो कैसे राजी हो आपके बनाए हुए उसूलों से, कैसे कैसे आपने बनाए कि हम ये पूजेंगे तो खुदा राजी हो जाएगा, हम वो चलेंगे तो खुदा, नहीं, खुदा ही से पूछो कि वो कैसे राजी होगा। इसलिए पूरा हमारा जो कानून है, इस्लाम का कानून मुसलमानों ने नहीं बनाया है, खुदा ने जो दिया है वो हमने मान लिया। इसमें राज यही है कि जो खुदा देगा, जिससे खुदा राजी होगा, तो ये तो यकीनी बात होगी। क्या जरूरी कि हमारे बनाए हुए कानून से खुदा राजी हो? अरे हम अपनी मर्जी से तो अपने सामने वालों को नहीं राजी कर सकते, मामूली मामूली बात में सामने वाले को। अब इसको ऐसे बहुत ही मोटी मिसाल से, एक साहब आए, उन्होंने कहा, कुछ लेकर आए मेरे पास। अरे साहब ये क्या हाल है? कहा साहब ये बहुत कीमती हलवा है, बड़ा कीमती हलवा है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं खाता, मीठा मैं नहीं खाता, मेरा परहेज चल रहा। दूसरे साहब आए, वो अपना बिरयानी बना के ले आए। कहा ये क्या ना बिरयानी? अरे बिरयानी भी मैं नहीं खाता। अब इस तरह से लोग आते रहे, अपनी समझ से कुछ लाते रहे, और मैं इनकार करता रहा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। उन्हीं के बीच में एक शख्स और आया, उसने मेरे कान में कुछ कह दिया, मैंने उसके कान में कुछ कह दिया, वो चला गया। अब वो लेके कुछ आता है, दिया और मैंने उसको खाना शुरू कर दिया, तो लोग देख के हैरान हो गए कि हमने तो इतनी मेहनत किया, क्या क्या बना के लाए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये क्या लेके आया? उससे पूछा तूने क्या किया? तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि आप क्या चाहते। उन्होंने जो कहा मैंने लाके दे दिया। अब उसका कबूल करना यकीनी होता तो ये रब तबारक व ताला कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, मुझे राजी करना चाहते हो, तो मेरे रसूल से मोहब्बत करो और उनको राजी रखो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। अब यहाँ एक बात और है, दावा क्या है कि हमें खुदा से मोहब्बत है, दलील क्या दे रसूल की मोहब्बत? ये क्या, ये क्या बात है? जिससे मोहब्बत का दावा है, दावा मोहब्बत और दलील रसूल की मोहब्बत। कहा इस्लाम ने ऐसे ही निजाम रखा, दावा ऊपर का दलील नीचे की, दावा ऊपर का दलील नीचे की। क्यों? इसमें मसले तो ये है कि खुदा की मोहब्बत का दावा करने वाला, खुदा की मोहब्बत का दावा करने वाला, ये तो हो सकता है खुदा को चाहे मगर रसूल को न चाहे, ये तो हो सकता है। खुदा की मोहब्बत करने वाले कहां से कहां तक चले गए, रसूल की मोहब्बत का वो दावा भी नहीं कर रहे। न कोई नसरानी कर रहा, न कोई यहूदी कर रहा है, खुदा की मोहब्बत का दावा करने वाले रसूल की मोहब्बत का दावा भी नहीं कर रहे।
मगर जो रसूल का चाहने वाला है वो यकीनन खुदा का चाहने वाला। दावा ऊपर का, दलील नीचे की, ये नीचे की दलील दोनों से मिलाती। यहीं से हम और सबक देना चाहते हैं, अगर तुम्हें इस बात का दावा है, तुम्हें रसूल से मोहब्बत है, तो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत दलील में पेश करो। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत दलील में पेश करो। मोहब्बत रसूल की है, वो तो दावा है, दलील में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पेश करो। क्यों? कि रसूल की मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत हैं, जो सहाबा के दुश्मन भी हैं, अहले बैत के दुश्मन भी हैं, वो दावा करने वाले बहुत हैं। सब कुछ है, मगर सहाबा अहले बैत से जो मोहब्बत करता है वो यकीनन रसूल से मोहब्बत करता है, यकीनन रसूल से मोहब्बत करता। रसूल की मोहब्बत का सिर्फ दावा अगर कोई करे तो उनसे यही कहेगा, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत दलील में पेश करो। हो सकता है कि तुम रसूल की मोहब्बत का दावा करो, सहाबा का ना करो, अहले बैत से ना करो। ऐसी मिसालें हैं, कुछ हैं जो अहले बैत को मानते हैं तो सहाबा को नहीं मानते, कुछ हैं जो सहाबा को मानते हैं अहले बैत को नहीं मानते, मगर जो सहाबा अहले बैत को मानते हैं वो रसूल को जरूर मानते हैं। अब अगर आपने कहा हाँ साहब हमको सहाबा अहले बैत से मोहब्बत है, हम उस वक्त कहेंगे कि सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत है तो अइम्मा तरीकत, मुश्तहिदीन तरीकत, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इन अइम्मा की मोहब्बत दलील में पेश करो। तुमको सहाबा वाले बैसे अगर मोहब्बत का दावा है, इनकी मोहब्बत दलील में पेश करो। क्यों ये हो सकता है कि सहाबा की मोहब्बत का दावा करने वाला, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाला न हनफी हो, न शाफई हो, न मालिकी हो, न हम्बली हो, मगर कोई मालिकी, कोई शाफई, कोई हम्बली, कोई हनफी, अगर सच्चा हनफी है, सच्चा शाफई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सहाबा वाले बैत से मोहब्बत ना करे। दावा ऊपर का, दलील नीचे की। अब उसके बाद अगर आप अइम्मे तरीकत से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हम कहेंगे कि दलील में अइम्मे तरीकत की मोहब्बत पेश करो। तुम अइम्मे शरीयत का दावा करते हो अइम्मे शरीयत की मोहब्बत का, तो अइम्मे तरीकत की मोहब्बत पेश करो। इसलिए कि हो सकता है कि कोई अइम्मे शरीयत की मोहब्बत का दावा करे मगर बुजुर्गों को ना माने, कादरी बनने को तैयार ना हो, चिश्ती होने को तैयार ना हो, ये कोई जरूरी नहीं, मगर जो चिश्ती होंगे, जो कादरी होंगे, जो नक्शबंदी होंगे, वो सोहड़वी होंगे, हो ही नहीं सकता कि मुश्तहिदीन से मोहब्बत ना करे। तो दावा ऊपर का, दलील नीचे की। इसीलिए हमने ऐसा दामन, कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्यों? हमने वो दामन हाथ में पकड़ा दिया है कि ये दामन तुम्हारे हाथ में आ जाए तो सहाबा का दामन भी तुम्हारे हाथ में, ताबईन का भी दामन तुम्हारे हाथ में, रसूल का भी दामन तुम्हारे हाथ में,
तो हम ऐसा दामन पकड़ा दे रहे हैं, वो दामन मिल जाए तो सारे दामन हाथ में। तो दावा ऊपर का, दलील नीचे। इस आयते करीमा के गोशा था जो मैंने बयान कर दिया, फिर इंशाल्लाह किसी और। तो अजीज़ा ने मिलत इंशाल्लाह ताला, चूँकि इस वक्त यहाँ पर हवा भी किशोर शरीफ में हवा भी काफ़ी चल रही है और माहौल काफ़ी हवा की वजह से थोड़ा सा तब्दील हो चुका है, लिहाजा नेट में इशू था, इस वजह से बीच में कुछ टेक्निकल इशू आया था, उसके लिए हम माजरत खां हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के मुफीद अफकार व नज़रियात आज हमने समाप्त किए। अब इंशाल्लाह ताला कल के बाद दोबारा परसों हम अपने वक्त मुकर्रा पर आने की और अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर आपके दरमियान, आपके माबैन आकर कुछ नए अफकार व नज़रियात के साथ आपके दरमियान आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।